हेलो फ्रेंड्स, मैं बोलूँ दास, आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो हाजिर है, जो कि मेरे पास एक एल जी का सेट है, जो इसमें पावर सप्लाई का डिफेक्ट है। तो इसमें 6645 एस टी आर है, ठीक है। तो मेरे पास ये एस टी आर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इसकी जगह मैं अभी क्या करूँगा, आपके पास अगर अवेलेबल है तो लगा सकते हो। कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर को चाहिए सेट, तो मैंने इसके जगह ये मॉड्यूल लगा के इस सेट को ऑन कर दिया हूँ। तो इसमें भी आपका बहुत ही बेहतरीन से चलता है। तब आपको इसमें क्या होगा, जिस तरह से ओरिजिनल पावर सप्लाई है उसी हिसाब से काम देगा, और ये आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है इसका। और आप इसको अगर यूज़ करते हो, लेकिन ये आपका साल दो साल तीन साल तक भी चल जाता है, उससे पहले भी ख़राब हो जाता है। इसका कोई गारंटी या वारंटी नहीं होता है। आप इसको अगर लगाते हो तो साल भर भी चलता है और दो साल भर भी चल जाता है, उससे पहले भी ख़राब हो जाता है। लेकिन आप ओरिजिनल पावर सप्लाई को अगर रिपेयरिंग करते हो तो उसमें बहुत ही बेहतरीन रहता है। और इसका कनेक्शन मैं बता देता हूँ, जो इसमें बीच वाला पिंड है और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, बीच वाला पिंड, ये वाला मोटा जो है ये पॉजिटिव है, और ये साइड वाला हो गया निगेटिव ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें दोनों ही तार जोड़ना है, रेड वाला को बीच में देना है और माइनस को ग्राउंड पे जोड़ देना है। तो इतना सही काम है। और आपको रेगुलेटर को एडजस्ट करना है, टीवी को ऑन करने से पहले रेगुलेटर को ऑन करना है, सेट करना है, 115 तक कर दीजिए। तो ये काफ़ी बढ़िया से चलता है, लेकिन इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है आपको कितना दिन चलेगा या क्या नहीं चलेगा। लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी लोग इसको यूज़ करता है पावर सप्लाई को। अगर दूसरा कोई डिफेक्ट है इसमें तो ये पावर सप्लाई से ही कम चला लेता है, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर के रखें।